आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में पहली बार किसी महिला न्यायिक अधिकारी की जनपद न्यायाधीश जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनाती हुई है। यह सुखद संयोग बना तो ऐसा लगा मानो समूचा आजमगढ़ खुश है। मंगलवार को नवागत जनपद न्यायाधीश माननीय साधना रानी ठाकुर का दीवानी बार एसोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। इस सादे समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, खासकर महिला अधिवक्ता, बार के पदाधिकारी और न्यायिक अफसर शामिल हुए। आजमगढ़ की महिला अधिवक्ताओं ने इसे सुखद संयोग बताया और जनपद न्यायाधीश का जोरदार स्वागत किया। हम आपको बता दें कि मूल रूप से अलीगढ़ जनपद की रहने वाली साधना रानी ठाकुर 1984 बैच की न्यायिक अधिकारी हैं। यहां से पहले वे गोंडा में जिला जज के पद पर तैनात रही हैं। हाईकोर्ट द्वारा अभिनय आजमगढ़ में जिला जज के पद पर ही नई तैनाती दी गई है। स्वागत समारोह में मौजूद अधिवक्ताओं न्यायिक अधिकारियों के सामने बेहद सादगीपूर्ण ढंग से जिला जज साधना रानी ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ विद्वानों की धरती है, यहाँ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रही बात बार और बेंच में सामंजस्य की, तो दोनों तरफ से जिम्मेदारी भरा व्यवहार अपनाना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक और प्रशासनिक दोनों व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित होगी। सामंजस्यता बहुत आवश्यक है, उसके लिए हम लोगों को दोनों ही तरफ से प्रयास की जरूरत है। केवल ये नहीं कि हमारे अधिकारीगण ही एडजस्ट करेंगे, निश्चित रूप से आप लोगों को भी एडजस्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाना होगा। और अगर दोनों तरफ से एडजस्टमेंट रहेगा, कहीं भी कोई भी झगड़ा झंझट की गुंजाइश नहीं होगी। जब कभी आप लोगों को कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो, आप लोग एक लिस्ट बना के अपनी सब ले आएँ, जो जो है सुन के जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा आप लोगों की परेशानी दूर करने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 जुलाई के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन व भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि ने भाजपा जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह के साथ रैली स्थल मंदुरी का निरीक्षण किया। इस दौरान तय किया गया कि मौसम को देखते हुए कार्यक्रम मंदुरी हवाई पट्टी पर कराना उपयुक्त होगा। इसके लिए टेंट लगाने वाले विशेषज्ञों की राय भी लिया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी मंथन हुआ। इसके पहले सोमवार शाम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिलान्यास कार्यक्रम हेतु मंच, आमंत्रित अति विशिष्ट विशेष व्यक्तियों के बैठने के लिए व्यवस्था, हेलीपैड स्थल पर आगमन प्रस्थान के लिए समुचित मार्ग, पीने के पानी की व्यवस्था तथा अस्थायी शौचालय की व्यवस्था के लिए विस्तार से चर्चा हुई। करीब 5 दिन पूर्व रानी की सराय थाना क्षेत्र के बिलैसा नेवी निवासी युवा पत्रकार सौरव उपाध्याय की बाइक कलेक्ट्रेट कैंपस से उस समय चोरी हो गई थी जब वह गाड़ी खड़ी करके कवरेज पर निकले थे, जिसका पता अभी तक पुलिस नहीं लगा सकी है। लेकिन इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर हरकत में आई शहर कोतवाली पुलिस ने कोतवाल योगेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्ट्रेट कैंपस में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 25 दोपहिया वाहन ऐसे मिले जो लावारिश हालत में थे और लॉक नहीं थे। इन सभी वाहनों को सीज कर शहर कोतवाली लाया गया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलेक्ट्रेट कैंपस में गाड़ी खड़ी करना वैसे भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस आलीशान भवन में अभी तक CCTV कैमरा नहीं लगा है। ऐसे में अगर आप अपना वाहन कलेक्ट्रेट कैंपस में खड़ा करते हैं तो सावधान हो जाइए।
तहसीलों में भीड़ उमड़ी और समाधान के लिए प्रार्थना पत्र की लाइन लग गई। अफसरों के प्रयास के बावजूद प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का रेशियो इस बार काफी कम रहा। अकेले सदर तहसील की बात करें तो इस मंगलवार यहां कुल 105 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें से महज 7 का निस्तारण हो पाया। चर्चा रही कि लेखपालों के कार्य बहिष्कार के कारण ही राजस्व से जुड़े मामलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। सरकार और प्रशासन ना तो लेखपालों का आंदोलन रोक रहा है और ना ही उनकी समस्या सुन रहा है। बीच में पिस रही है जनता, जो समाधान दिवस में आ रही है लेकिन समस्याओं का समाधान हो ही नहीं पा रहा। इस मंगलवार को जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि सगड़ी तहसील पहुंचे थे। यहां भी वही हालत रही। कुल 190 शिकायती प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से महज 10 का समाधान ही हो पाया। हालांकि जिलाधिकारी श्री द्विवेदी ने मौके पर मौजूद अफसरों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा जनता की बात सुने और मामलों का समाधान करें। समाधान दिवस इसीलिए आयोजित होता है कि दूरदराज के ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही शासन प्रशासन की मदद मिल सके, उन्हें ज्यादा दौड़ भाग न करनी पड़े। शासन की इस मंशा को फलीभूत करने में सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना सहयोग दें। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह की अध्यक्षता में आगामी 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, सेक्टर संयोजक व बूथ अध्यक्ष के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नेहरू हॉल में बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश महामंत्री, क्षेत्रीय प्रभारी और नोएडा विधायक पंकज सिंह, विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र सिंह व क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रत्नाकर जी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि 14 जुलाई को मंजूरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनपद के 10 विधानसभाओं के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आमंत्रित करें। सभी मंडल के अध्यक्ष बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कस लें। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का संयोजक क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जनसभा में मुख्य रूप से आजमगढ़, मऊ व बलिया के लोगों को सम्मिलित कराकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इस अवसर पर उपेंद्र शुक्ल, नरेंद्र सिंह, अखिलेश मिश्र गुड्डू, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, माला देवी दी, प्रेम प्रकाश राय, दरोगा सरोज, सांसद नीलम सोनकर, श्री कृष्ण पाल, रामपाल सिंह आदि मौजूद रहे। प्रदेश की सरकार समाधान दिवस लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहती है, लेकिन समाधान दिवस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लेखपाल आजकल कार्य बहिष्कार पर उतर आए हैं। इससे तहसीलों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आजमगढ़ लेखपाल संघ ने भी मंगलवार को समाधान दिवस पर ही तहसील परिसर में धरना दिया। वेतन विसंगति, भत्ता में कमी, लैपटॉप व स्मार्टफोन न मिलने सहित कई मुद्दे हैं जिस पर प्रदेश भर के लेखपाल सरकार से नाराज हैं। सदर तहसील परिसर में आयोजित धरने को अध्यक्ष रामानुज श्रीवास्तव और मंत्री सुनील कुमार यादव सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कहा कि अब हम झुकेंगे नहीं, वेतन विसंगति दूर करने सहित सभी मांगों पर निर्णायक संघर्ष होगा। सदर तहसील लेखपाल संघ के अध्यक्ष रामानुज श्रीवास्तव ने ABC चैनल से हुई बातचीत में आंदोलन का कारण बताया और कहा कि सरकार नहीं मानी तो आगामी 9 जुलाई से प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। हमारी पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू हुआ है, जो पिछले 18 तारीख से चल रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट जाति आय निवास, इसकी रिपोर्टिंग संसाधन के अभाव में हम लोगों द्वारा बंद किया गया है। आज से संपूर्ण कार्य बंद करते हुए 7 तारीख तक
तहसीलों पर, प्रदेश की समस्त तहसीलों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा। तत्पश्चात 9 तारीख से जिला मुख्यालयों पर संपूर्ण प्रदेश में अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया जाएगा। हम लोगों की सबसे बड़ी मांग तो आज समस्त कार्य जो ऑनलाइन हो गए हैं, कंप्यूटर और स्मार्टफोन की मांग है, जिसके लिए पिछली सरकार में ही 40 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। वह धन राजस्व परिषद में पड़ा हुआ है, परंतु पता नहीं किस विचारधारा से उस धन के उपयोग करके लेखपालों को लैपटॉप या स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तमाम विसंगतियां हैं। हमारे संबर का एक साथी 2400 का ग्रेड पे पा रहा है, तो दूसरा जो है 2800 का पा रहा है। एक ही संवर्ग में एक ही साथ काम करने वाला साथी अलग अलग वेतन पा रहा है, यह सबसे बड़ी विसंगति है। भत्ता जो हम लोगों को मिल रहा है प्रतिदिन के हिसाब से 3.30 रुपया मिलता है। मोटरसाइकिल अलाउंस प्रति महीने का 100 रुपया मिल रहा है। आज के परिवेश में साइकिल का खर्च भी नहीं मिल पाएगा 100 रुपये में। स्टेशनरी का खर्च नहीं मिल पा रहा है हम लोग। समाजवादी पार्टी 2019 की तैयारी के सिलसिले में अपने सभी फ्रंटल संगठनों को मजबूत व जवाबदेह बनाने की तैयारी कर रही है। जनपद छात्र संघ पदाधिकारी व राजनीति में रुचि रखने वाले नौजवानों को पदाधिकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी का सोमवार को आजमगढ़ आगमन हुआ। इस दौरान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में उपस्थित नौजवानों को संबोधित करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि आज देश के अंदर सबसे ऊर्जावान, सादगी ईमानदारी के प्रतिमूर्ति विकास पुरुष अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह चाहते हैं कि देश में ऊर्जावान व राजनीतिक रुचि वाले नौजवान आगे आएं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में सांप्रदायिक फासिस्टवादी ताकतें देश को कमजोर कर रही हैं। धर्म जाति के नाम पर भाई भाई को लड़ाकर सत्ता हासिल करना चाह रही हैं। देश और प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर संग्राम सिंह यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव, पूर्व विधायक विजयलाल सोनकर आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के साथ ही वहां पेयजल, शौचालय, लाइब्रेरी की बेहतर व्यवस्था करने की आवाज़ उठाई गई है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी DM कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। संगठन के नगर सहमंत्री आकाश गौड़ ने मीडिया को बताया कि आजमगढ़ के सरकारी स्कूलों की हालत बदहाल है। छात्र छात्राओं को न तो अच्छी शिक्षा मिल रही है और न ही पेयजल सहित अन्य सुविधाएं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल हस्तक्षेप करें, अन्यथा परिषद के कार्यकर्ता DM का घेराव करेंगे। हम लोग पूरे देश में इस समय DM साहब से ज्ञापन दे रहे हैं, ये कहते हैं कि देश की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, खासतौर से हमारे, जैसे हम अपने जिले की बात करें तो हमारे जिले की जो शैक्षणिक व्यवस्था है बहुत ही गड़बड़ है। ठीक है, SC ST OBC छात्रों को ना तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की सुविधा दी जा रही है और ना ही हॉस्टल की। खास तौर से जो स्कूल हमारे यहाँ चल रहे हैं उसमें लाइब्रेरी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है अच्छे से, है और क्या कहते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे देखिए, ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, यहाँ पे हॉस्टल है लेकिन ये नाम मात्र है। यहाँ पे अवैध कब्जे किए गए हैं, छात्राएँ नाम भर की हैं यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे देखिए अदर क्या कहते हैं, जैसे यहाँ के चपरासी हैं, टीचर हैं, ये लोगों ने कब्जा रखा हुआ है, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है कि ये हमारी कार्रवाई इस पर रहेगी कि जितने शहर के जितने भी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, तो वो मानक के अनुसार रहें। हमारे देश के जो युवा है वो ओलंपिक में पीछे हो रहे हैं, हर गेम में पीछे हो रहे हैं, तो जब हम लोग को शैक्षणिक शिक्षा से ही हम लोग अगर विकलांग कर दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ से देश का सम्मान आगे करेंगे। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़ एफिलिएटेड टू CBSE एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन क्लास नर्सरी टू क्लास 9 एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। वी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फ्रॉम आजमगढ़ सिटी, लेबोरेटरी, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, एक्टिविटीज रूम, लाइब्रेरी एंड प्लेइंग फील्ड, स्पेशल क्लासेस फॉर NTSC, ओलंपियाड, म्यूजिक एंड कराटे क्लासेस, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। एम्स ऑफ स्कूल टू फास्टर कैरिंग स्टेबल एनवायरनमेंट, प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट टू लर्न इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मैनर, टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ मोरल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज। अवर टीम वी सेलेक्ट क्रिएटिव एंड स्किल्ड टीचर्स हु इम्पार्ट क्वालिटेटिव लर्निंग। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़। नॉलेज इज पावर, वी गिव पावर टू योर चाइल्ड। वी आर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़। वी प्रोवाइड 360 डिग्री स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फॉर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8. Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Asamgarh. Aradhya Judhya Jewelers, Agrasen Degree College ke samip, Katra Sarai, Ajamgarh. शादी के गहने, पार्टी के गहने, डायमंड के गहने तो सोने चांदी के गहने, सब कुछ एक ही दुकान पर। आराध्या ज्वेलर्स, अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप, कटरा सराय, आजमगढ़। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, अरबी डिजाइन के डायमंड सेट, चांदी के बर्तन तो रत्नों का भंडार भी। राजकोट, बॉम्बे और दिल्ली के आभूषण भी चाहिए तो चले आइए आराध्या ज्वेलर्स, कटरा सराय, आजमगढ़। 94-15-83-15-29। Sunbeam School Azamgarh, which aims for quest for excellence. Registration open. Admission forms are available. Sunbeam School Azamgarh is powered by Sunbeam EduServe. रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं आजमगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट। महानगरों की तर्ज पर बन रहे रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट का मानचित्र आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। शहर के मेन रोड नरोली पर बन रहे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें, 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपन। अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लब, एयर कंडीशन जिम, 3 हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा, सभी फ्लोर पर CCTV सिक्योरिटी सिस्टम, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, पार्टी और फंक्शन के लिए कवर्ड बैंकेट हॉल, बेहतरीन लोकेशन एवं पार्किंग की सुविधा, आसान मासिक किस्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध।
करिए अपना सपना साकार, शहर में बताइए अपना आशियाना। फेस्टिवल ऑफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्क करें रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काली चौरा तिराहा, रैदोपुर, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, सिटी स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टैच, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, ऑल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, PFT एंड पैथोलॉजी। एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल ओनली एट प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।